अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ साकिब इंतज़ार, इनेबलर्स लीड एंड एम्बेसडर कराची। इनेबलर्स कराची के जो रहने वाले हैं भाई, उनके लिए एक बड़ी अच्छी खुशखबरी है कि इनेबलर्स ने वॉर की नाइट शिफ्ट भी ऑन कर दी है। और ये जो नाइट शिफ्ट है ये रात 8 से लेके सुबह 5 बजे तक है। तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि फ्रीलांसर्स होते हैं, रात में काम करना होता है। और अभी कराची में बहुत सारे एरियाज़ के अंदर जो है इलेक्ट्रिसिटी का बड़ा प्रॉब्लम है, इंटरनेट का बड़ा प्रॉब्लम होता है। तो दे कैन ज्वाइन वर्क और वो आ सकते हैं, आप enablers.org/work पे जाएं एंड यू विल बी एबल टू फाइंड देयर स्लॉट ऑफ नाइट एज वेल। और इसके साथ साथ इनेबलर्स कराची मॉर्निंग शिफ्ट, वर्क की इवनिंग शिफ्ट एंड नाइट शिफ्ट, तीनों शिफ्ट जो है वो अप एंड रनिंग है। तो हमारे पास डेडिकेटेड ट्रेनर्स हैं अभी इस वक्त, और जो कि लोगों को सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। डेली सेशंस होते हैं, आपको ग्रुप्स के अंदर भी वो सेशंस नज़र आते हैं। वर्क का बेसिकली मकसद क्या है, बहुत सारे लोगों को होगा कि भाई ये किस बारे में बात कर रहे हैं और आखिर ये वर्क है क्या। वर्क इज़ अ को वर्किंग स्पेस जहाँ पे लाइक माइंडेड लोग आके बैठते हैं, अपने व्यूज़ शेयर करते हैं। यहाँ पे जो है डेली बेसिस पे सेशंस भी किए जा रहे होते हैं, और अगर कोई बंदा किसी प्रॉब्लम के अंदर होता है तो उसकी उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी निकाला जा रहा होता है। R&D हो रही होती है उसके ऊपर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, क्योंकि बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ आते हैं जिनको हाईलाइट जो पहले नहीं हुए हुए होते, उनके बारे में पहले बात नहीं हुई हुई होती, वो बड़े अननोन इश्यूज़ होते हैं, उनके ऊपर काम किया जा रहा होता है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कराची वर्क का जो सक्सेस रेट है वो काफ़ी बेहतर हो चुका है, और हम अपकमिंग डेज़ के अंदर उनकी जो है वो स्टोरीज़ भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो अगर आपको कोई भी क्वेरी है, यू कैन विजिट इनेबलर्स कराची ऑफिस एट एनी टाइम। और अब आप इनेबलर्स ऑफिस में क्वेरी के लिए रात को सुबह 5 बजे तक आ सकते हैं। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन कम हियर टिल 5 AM। तो अब ये भी नहीं है कि ऑफिस की टाइमिंग्स बंद हो जाएंगी या कुछ है। सो हमने कोई एक्सक्यूज़ नहीं छोड़ी आप लोगों के लिए। तो आई होप के आप लोगों को जो है वो इस हमारे नए इनिशिएटिव से कोई ना कोई फ़ायदा होगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।